जिस हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को पैर की जूती से पैदा किया गया, जिस हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ग्रंथ में महिला को नरक का द्वार बताया गया, तो आप बताइए मैं इतनी मूर्ख महिला तो नहीं हूँ कि नरक के द्वार वाले ग्रंथ को और धर्म को और राष्ट्र को मैं स्वीकृति दे लूंगी। क्यों नहीं बताते मोहन भागवत जी की आरएसएस की गुप्त शाखाएं लगती है तो उसमें केवल चित पावन ब्राह्मण ही बैठता और एससी ओबीसी शूद्र और वैश्य क्षत्रिय इस तरह की जातियां क्यों उसमें नहीं बैठती हैं? क्यों नहीं बैठती इनकी गुप्त मीटिंगों में, मुझे बताइए। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो समझ जातियों के लोग क्यों नहीं बैठाते? राष्ट्रवादी संगठन दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है तो उसकी बात नहीं करता? क्या दलित राष्ट्र के नागरिक नहीं है? मोहन भागवत जी जातियां सारी खत्म करके अगर पूरे देश के हिंदुओं को ब्राह्मण बना देना चाहते हैं तो हम मोहन भागवत जी के साथ हैं। आज हमसे बुद्ध विहार छीना जा रहा है। मोदी जी से हम अपील करते हैं कि आपके ही देश में, आपकी ही सरकार में, के ही मुख्यमंत्री बुद्ध की धरती पर बुद्ध के एक बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए नोटिस दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ अनुयायी बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप भी बुद्ध की धरती से हैं और हम भी बुद्ध की धरती से हैं। वो हिंदू पे बात करेंगे तो वो सनातन पे चले जाते हैं। हिंदू फारसियों द्वारा दी गई गाली है और ब्राह्मण इसीलिए खुद को हिंदू नहीं कहते हैं, वो खुद को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जब जब हम खुद को हिंदू कहते हैं तब तब हम गुलाम बन जाते हैं। गुलाम किसके? मुगलों के। तो हम मुगलों के गुलाम नहीं, आज आजाद भारत में रहते हैं, हम हिंदू कैसे हो चुके? तो हम हिंदू नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमें छल कपट और बल के साथ जबरदस्ती आज अज्ञानी और अशिक्षित जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये इन लोगों का शातिराना खेल है, जिसको आप शिक्षित लोग पढ़ते उतार उतार करके समाज को बता रहे हैं कि ये झूठ है, जिसके चक्कर में फंसकर आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपका रोजगार सब कुछ छीना जा रहा है। आज हमसे बुद्ध विहार छीना जा रहा है। कहाँ छीना जा रहा है? आपने पैसा बकाया नहीं दिया सरकार को। देखिए, इस देश के अंदर पूरे भारत में रेलवे लाइनें तक, रेलवे लाइनों की पटरियां तक मोड़ दी जाती है एक मंदिर एक मटकी वजह से। एक झोला छाप अगर छोटा सा कोई मंदिर, कोई बाबा ढोंगी भी होगा तो उसके मठ के लिए भी रेलवे तक की लाइनें हमने भारत में मुड़ती हुई देखी है। दरगाह के लिए भी, तो दरगाह को क्यों बोलते हैं? दरगाह के लिए भी, मस्जिद के लिए भी हमने देखा है, मस्जिदों तक के लिए रास्ते मुड़ जाते हैं। हर धर्म के लिए मुड़ सकता है तो बुद्ध के लिए क्यों नहीं? जिस बुद्ध से पूरे भारत को विश्व गुरु बनने का मौका मिला, आज उस बुद्ध के नाम से बना एक बुद्ध विहार अगर सरकार को नहीं पच रहा है, सरकार अगर सम्मान करती है बुद्ध का और भारत से बाहर जाती है तो बुद्धा की स्टैचू लेकर कहते हैं कि हम बुद्ध के भारत से आए हैं और उसी बुद्ध के भारत में एक बुद्ध विहार के लिए क्या सरकार 4 करोड़ या 3 करोड़ या 2 करोड़ रुपए को छोड़ नहीं सकती है? मंदिरों को छोड़ती है, करोड़ों करोड़ों की जमीन मठों को छोड़ती है और मंदिरों को अनुदान देती है, यहाँ तक कि थानों में मंदिर बना रखे हैं, सड़कों पर मंदिर बना रखे हैं। यहीं से आप मेरे साथ चलिए, 20 कदम की दूरी पर सड़क घेर रखी है पूरी, और ये पूरी अथॉरिटी की ही जमीन है, इस पर कार्रवाई कभी नहीं हुई आज तक, और वहाँ बैठा है आराम से। वहाँ देने वाले भी लोग रोज पैसा देने जाते हैं, यहाँ पर लोगों ने अपनी मेहनत से एक एक रुपये इकट्ठे करके ईंट बनाई तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर बैठने वाले लोग देश के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, पाखंड या अंधविश्वास की बात नहीं करते। मोदी जी तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्ध के देश से जाने वाले मोदी जी से हम अपील करते हैं कि आपके ही देश में, आपकी ही सरकार में, के ही मुख्यमंत्री बुद्ध की धरती पर बुद्ध के एक बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए नोटिस दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ अनुयायी बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप भी बुद्ध की धरती से हैं और हम भी बुद्ध की धरती से हैं, हम उनको बचा रहे हैं उस विरासत को। जब देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है तेजी से, संत कह रहे हैं सब हिंदू राष्ट्र होने वाला देश, तो फिर क्यों बुद्ध की शरण में जा रहे हैं? आप भी हिंदू बनिए ना। देखिए, हम हिंदू बन के कहाँ रहेंगे? क्या हम ब्राह्मण हो सकते हैं? जब भारत के अंदर, मैं अभी आपको व्याख्या बता चुकी हूँ कि हिंदू गुलाम शब्द का मतलब है, हिंदू का मतलब गुलाम है, और हम गुलाम क्यों बने? आज डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतना श्रम और 4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए दी थी कि फिर से गुलाम बने रहे। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम, फिर हिंदूवादी शब्दों के गुलाम, और आज शिक्षित होने के बाद भी अगर हम हिंदू शब्द के गुलाम हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़े ही नहीं है। हम भारत के, भारतीय संविधान के तहत रहते हैं जहाँ धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ पर अगर वो हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं ना तो इसकी आज़ादी भी भारतीय संविधान देता है। यदि कोई जय श्री राम बोल रहा है, यदि कोई जय अल्लाह अकबर बोल रहा है, या कोई जय भीम बोल रहा है, नमो बुद्धाय बोल रहा है, या भारत के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक संबोधन कर रहा है, तो ये भारतीय
संविधान की बदौलत है, ना कि किसी धर्म की बदौलत। धर्म इससे पहले भी थे, धर्मों ने मार काट की है, जबरदस्ती लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, पर जब जब धर्म में जबरदस्ती और मार काट हुई है तब तक उस धर्म का पतन हुआ है। गुलाम आप बताइए, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा गया हो ढोल गवार पशु शुद्ध नारी सकल ताड़ना के अधिकारी और चरण पूजिए विप्र पूजिए चाहे गुड़ हो गुड़हीना और चरण ना पूजिए चंडाल के चाहे गुड़ प्रवीणा, वो चाहे कितने भी गुणों से भरा हुआ उसकी ज्ञान को ज्ञान मत मानिए। ब्राह्मण चाहे कुल से नीचे गिरा हो कर्मों से चाहे निकृष्ट हो फिर भी वो पूजनीय होगा। ऐसी जगह जिस हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को पैर की जूती से पैदा किया गया, जिस हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ग्रंथ में महिला को नरक का द्वार बताया गया, तो आप बताइए मैं इतनी मूर्ख महिला तो नहीं हूँ कि नरक के द्वार वाले ग्रंथ को और धर्म को और राष्ट्र को मैं स्वीकृति दे लूंगी। मोहन भागवत ने कहा ना कुछ स्वार्थी लोगों ने लिखे थे वो ग्रंथ, तो मोहन भागवत जी बता क्यों नहीं रहे हैं? वो स्वार्थी पंडित कौन है? वो स्वार्थी पंडित इस देश के अंदर अगर है देश का नाश किया है तो उनको सजा मिलने चाहिए, लाइए सामने हम भी साथ हैं। मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते कि वो कौन स्वार्थी लोग हैं? मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते कि आरएसएस के अंदर क्या सिखाया जाता है? क्यों नहीं बताते मोहन भागवत जी कि आरएसएस की गुप्त शाखाएं लगती है तो उसमें केवल चित पावन ब्राह्मण ही बैठता और एससी ओबीसी शूद्र और वैश्य क्षत्रिय इस तरह की जातियां क्यों उसमें नहीं बैठती हैं? क्यों नहीं बैठती इनकी गुप्त मीटिंगों में मुझे बताइए? अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो समझ जातियों के लोग क्यों नहीं बैठाते अभी मंदिरों में? राष्ट्रवादी संगठन है ना, राष्ट्रवादी संगठन के अंदर राष्ट्र की बात कहाँ है? राष्ट्रवादी संगठन का ध्वज नहीं फहराता है अगर राष्ट्रवादी है तो। राष्ट्रवादी संगठन ने आज तक राष्ट्र के अंदर इतने घोटाले हुए हैं उनकी बात नहीं करता है। राष्ट्रवादी संगठन दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है तो उसकी बात नहीं करता? क्या दलित राष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या इस देश की जो महिलाएं दलित महिलाएं क्या राष्ट्र की नागरिक नहीं है? उनके साथ जब जब अभद्रता होती है उनके साथ दुष्व्यवहार होता है तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वो राष्ट्र की बेटियां नहीं है? लेकिन उनके साथ नहीं बोलते। जब देश के अंदर सताया जाता है तड़पाया जाता है परेशान किया जाता है उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, हम भी राष्ट्र के नागरिक हैं हम भी टैक्स देते हैं लेकिन हमारे बुद्ध विहार को आज छीना जा रहा है, कहाँ गए मोहन भागवत जी? अगर वो राष्ट्र का संगठन चला रहे हैं तो क्यों नहीं बोलते वो? मोहन भागवत बदलना चाहते हैं ना देश को, उनका साथ दीजिए आप लोग भी। हम मोहन भागवत जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी जातियां सारी खत्म करके अगर पूरे देश के हिंदुओं को ब्राह्मण बना देना चाहते हैं तो हम मोहन भागवत जी के साथ हैं। और मैं ये दावा करती हूँ जिस दिन भी वो पूरे देश में ब्राह्मण बनाओ और जाति खत्म करो का आंदोलन चलाएंगे मैं अग्रिम पंक्ति में आकर के सड़क पर उनके साथ चलूंगी। क्या तैयार है वो? अगर तैयार है तो आप उनसे स्वीकृति ले आइए, मैं चलती हूँ। नहीं, हमने इनके खिलाफ कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा, दिक्कत इनको है हमसे। ये हमारे खिलाफ धर्म ग्रंथ लिखते हैं, हमारे खिलाफ गालियां देते हैं, आरक्षण से आया हुआ कहते हैं, संविधान में कमियां निकालते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को जाति के आधार पर उनके ज्ञान का आकलन करते हैं, उनको दलितों का नेता बताते हैं जबकि पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व का एक एक ऐसी महान शख्सियत बुद्धा से ये नफरत करते हैं क्योंकि बुद्ध विचार की बात करता है, पाखंड और आडंबर को नकारता है, तो हम कहाँ इनसे नफरत करते हैं? हम कहाँ दिक्कत करते हैं? विरोध करते हैं वो बुद्ध का, दुनिया में प्रचार मोदी जी कर रहे हैं, बाबा साहब की जयंती धूमधाम से आपने मनाते, बीजेपी मना रही है। मूर्तियां सर पर रख लो और विचार जूतियों में रख लो, ये नाटक करने का जो तरीका है ये देश की जनता समझ रही है। मूर्तियों को सर पर रख के घूम रहे हैं और उनके विचारों को जूतों के नीचे रौंद रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर चल रहे हैं, हमें कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमें कितना सहयोग मिल रहा है? बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों के तो खिलाफ लगातार झूठी FIR हो रही है, लगातार धमकियां मिलती है, तू मिल जा, दुनिया भर के झूठे झूठे बयानों से उनको परेशान किया जाता, उनके सोशल अकाउंट हैक किया जाता, उनके सोशल अकाउंट को ब्लॉक किया जाता। अगर मोदी जी भी बुद्ध को मानते और हम भी बुद्ध को मानते हैं, वो भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हम भी जयंती मनाते हैं, तो जब गरीब गुरबा ईमानदारी से जयंती मनाते हैं गाँव में तो फिर ये लोग उस समय पर परमिशन क्यों नहीं देते? उन पर लाठियां क्यों भांजी जाती हैं? तो कानून व्यवस्था की बात होती है ना। देखिए इस देश में इतनी सारी रैलियां धार्मिक निकलती हैं, किसी भी धार्मिक रैली को देखिए कभी भी प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हमेशा परमिशन के तहत कार्यक्रम करते हैं, उसके बावजूद भी उनको बताया जाता है जिनके बाप ने संविधान लिखकर पूरे देश को चलने के लिए पूरे भारत में एक कानून को व्यवस्थित किया, पूरे भारत को अखंड बनाया और पूरी दुनिया में यह बताया कि लोकतंत्र सबसे अच्छा तंत्र है जिसमें जनता को आगे आने का मौका मिलता है, गरीब को भी आगे आने का मौका मिलता है। उसी डॉक्टर अंबेडकर की संतानें जब परमिशन लेने जाती है तो उनको कानून बताया जाता है, दुनिया भर की अटरम पटरम बताए जाते हैं, उनको अज्ञानी समझ करके भगा दिया जाता है, चार बातें उनके पक्ष में ना करके 50 बातें उनके खिलाफ में लिखी जाती है, तो ऐसे लोगों का मनोबल तोड़कर आप क्या? देखिए हम मानवतावादी लोग हैं, हम अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं और ना ही संविधान के खिलाफ किसी भी तरह का बयान करते हैं। उनको
ना तो संविधान की परवाह है ना देश की जनता की परवाह है। हम देश को जनता में ध्यान में रखकर और संविधान के तहत अपने बयान देते हैं और तथ्य आधारित बातें करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते तो पहले एक हिंदू गाँव, हिंदू शहर, हिंदू एक भी कस्बा बना के दिखा दें।